व्हाट इज बिग बॉस? आज और बॉस बता दूंगा। तो ये बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन है। हाँ, बिग बॉस ओटीटी, बिग बॉस का एक छोटा बच्चा है सलमान भाई ने सोचा, वो भी तो चल नहीं रही है, साल में 2-3 बार बिग बॉस ही कर लेते हैं 2-3 नाम से। पर भाई, नाम बदलने से इज्जत नहीं बदलती। तो बिग बॉस का जो हाउस है वो कोई हाउस नहीं है, वो एक जू है। उसके अंदर इंसान नहीं, जानवर होते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? पिछली बार तो एक एलियन भी था, इस बार एक इंसान भी है जिसका नाम है फुकरा इंसान। हाँ, इसी वजह से पहली बार मैं देख रहा हूँ बिग बॉस। तो फुकरा इंसान को सबसे ज्यादा मोटा पैसा मिला है बिग बॉस में जाने का, इसीलिए भाई। तो हाँ, तुमको दिखाता हूँ बिग बॉस में होता क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौकरी का मेरी आवाज वैसी ही है, मैं बात करता हूँ। नहीं मिल रही तो बीच में पढ़ लो, और तेरे से बात नहीं कर रहा मैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ जरी फेक लीडर जो है नहीं मगर तो पूजा भट्ट। तो इनको जब मैंने देखा तो मैंने बोला, ये आंटी जी बिग बॉस में क्या कर रही है? तो इनसे अपनी बात मनवाना ऐसा है जैसा कि ज़ारा से शोरूम में पैसे कम कराना। और ये तो तुरंत घर की परवरिश पर ही आ जाती हैं। इन्होंने अपनी परवरिश नहीं रही, कुछ चंद पैसों के लिए अपने बाप के साथ। और इनके बाप पता है कौन है? महेश दल्ले। और इन्होंने वोटिंग में खुद देखा था कि फुकरा इंसान नंबर 1 पर है। हाँ, तभी भी इनके चेहरे उतरे तभी। और अब ये बोलते हैं कि नहीं, वोटिंग में तो नंबर 1 पर मैं ही थी। वाह परवरिश। वैसे अब दूसरे पर आते हैं, अविनाश। हाँ, तो ये वही इंसान है जिसके अंदर थोड़े से तत्व और तो वाले हैं, चुगली करना। ये इंसान कभी कभी तो बहुत चौड़ में आ जाता है और पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोलता है, और जब सामने ये मेरे को मेरा प्यारा भाई लगता है। हाँ बेटे, आ गया ना औकात पर। और अब बारी आती है टुनटुन मौसी की। तो ये शो 22/7 और चलता है, और ये सिर्फ इतने टाइम चिल्लाती है। हाँ लिटरली ये सिर्फ चिल्लाती है, वरना कैमरा मैन इसकी तरफ कैमरा ही ना करे जी। इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग है कि ये मैंने 2 वीक के बाद देख ही नहीं पाया इसको, मैंने छोड़ दिया भाई। अब मैं नहीं देख रहा, मैं नियॉन मैन की वीडियो देख लेता हूँ। और इसने जब यहाँ पर एंट्री ली तो मैंने सोचा भाई ये नागिन कहाँ से आ गई। फलक नाग, तो ये भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं और परवरिश पे आ जाते हैं। दीदी जी, आप पहले अपने भाई को छुड़वा लो, उसके बाद बात करते हैं। दाद आसित, अरे जो भी नाम हो भाई, तू ये बता, तेरे देश में बेरोजगारी है तो यहाँ पर आया है? अभी आया तो ठीक है, मगर इस शो में क्यों आया? से अच्छे अच्छे से। और भाई हाँ, तुझसे मैं बोलना चाहता हूँ, साले मिनटों में लड़कियाँ क्यों बदलता है? TRP के लिए फुकरा इंसान है, सबको पता है, इसीलिए बुलाया है TRP के लिए। तू मत दे, 13+ वाली चीज को 18+ लेकर जा रहा है। तो बिग बॉस देखने के बाद तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आएगा जिसकी वजह से तुमको अपना फोन या फिर अविनाश सर फोड़ने का मन करे। अब भाई तो रिस्पेक्ट की बात करो तो रिस्पेक्ट भी उसकी की जाती है जिसकी होती है, ठीक? मुझे मत सिखाना। मैं बिग बॉस को रोस्ट करूँ तो 24 घंटे रोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा भंडार है कंटेंट का। अब नहीं हो पाता, नहीं करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि अगली वीडियो किस पर चाहिए, नहीं तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, या फिर कुछ भी बनाकर डाल दूंगा। मगर जो भी बनाऊंगा अच्छी होगी, तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। लव यू गाइस।